नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइस ट्यूब के बारे में, जिसे हम फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं। 2 दिन पहले हमने एक पेशेंट को 14 नंबर का राइस ट्यूब डाला हुआ था। उसका साइज था 470 mm, उसका टोटल लेंथ है 10 mm और उसका इफेक्टिव लेंथ है 10-20 mm। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा एक वीडियो में कि उसको कैसे निकालते हैं। सबसे ईजी तरीका बताऊंगा मैं, आपका ज़्यादा टाइम भी लेने वाला हूँ। 2 मिनट में उसको निकालने का मैं तरीका जल्दी से जल्दी आपको समझाने का ट्राई करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। फिटिंग ट्यूब रिमूवल का जो हमारा प्रोसेस है, उसे करने से पहले सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अगर हमारे पास हैंड वॉश अवेलेबल है तो उससे हम हाथ क्लीन करेंगे। उसके बाद हम सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सर्जिकल ग्लव्स नहीं अवेलेबल है तो हम सादे जो ग्लव्स होते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम सादे ग्लव्स पहनेंगे। उसके बाद सर्जिकल स्प्रिट जो होता है उसे हम अपने हाथों पर लेकर, ग्लव्स पर लेकर उसे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, ताकि जो लेवल है सैनिटाइजेशन का वो बना रहे। फिटिंग ट्यूब रिमूवल के लिए हमें लगेगा ग्लव्स, सर्जिकल स्पिरिट, कुछ गॉस पीस और पैड्स। एक बार ऐसा लंबी सांस लो, लो अंदर आतमध्ये श्वास घ्या, लांब श्वास घ्या, सोडा, आता पुन्हा एकदा लांब श्वास घ्या, बस झालं। तो आज की यह वीडियो जो राइस ट्यूब रिमूवल प्रोसीजर के ऊपर बनी हुई थी, वो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मेडिकल एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।